कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति अब गर्म हो गई है। लगातार विपक्ष यानी बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर हमले करती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है लगातार बीजेपी के तरफ से हमले किए जा रहे हैं कि अब महागठबंधन की सरकार जो है वो नहीं संभल पा रही है, यानी कि अब बहुत दिनों तक ये सरकार नहीं चल पाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जैसे ही मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, तेजस्वी यादव ने इसको स्वीकारा, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वीकारा और राज्यपाल को नोटिस भेज दिया। और नोटिस भेजने के बाद तेजस्वी यादव को एक बड़ा विभाग मिल गया है, यानी कि तेजस्वी यादव के पास पहले 4 विभाग थे और अब तेजस्वी के पास एक और विभाग जुड़ गया है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव के पास जो कार्यभार आ गया है उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी के पास है, पथ निर्माण विभाग तेजस्वी के पास है, नगर विकास और आवास ग्रामीण विभाग तेजस्वी के पास है और अब तेजस्वी के पास पर्यटन मंत्रालय भी आ चुका है। यानी कि तेजस्वी यादव अब उन पे वर्क प्रोसेस जो है वो बढ़ गया है और अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव को नया विभाग जो है वो सौंपा गया है जिसमें पर्यटन मंत्रालय। वहीं कृषि मंत्रालय की बातचीत करें जिसमें सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, अब पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्रालय सौंप दिया गया है। कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है, पहले वो पर्यटन मंत्रालय था लेकिन अब पर्यटन विभाग तेजस्वी यादव को दिया गया है। बता दें आपको कि कल से ही बिहार की राजनीति गर्म रही मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर के। सुधाकर सिंह लगातार कृषि विभाग में हो रही चोरी घोटालों को लेकर के सरकार पर यानी नीतीश कुमार के ऊपर में हमले कर रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने शनिवार को शाम में ही ये ऐलान किया कि नीतीश कुमार के खिलाफ में कोई भी मंत्री नेता नहीं बोलेगा महागठबंधन की सरकार में, यानी आरजेडी की सरकार में आरजेडी के जो भी मंत्री नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर हमले नहीं करेंगे। जो बातचीत सुधाकर सिंह लगातार ये खड़े कर रहे थे कि कृषि विभाग में चोरी है, घोटाले हैं, कृषि विभाग ही नहीं कई विभागों में चोरियाँ चल रही हैं, इसको वो दूर करने की कोशिश करेंगे। उस बारे में नीतीश कुमार से वो बातचीत भी करना चाहते थे लेकिन कैबिनेट की बैठक में सुधाकर सिंह उठकर खड़े हो गए। नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम तेजस्वी से बातचीत कर रहे हैं लेकिन क्या बातचीत नहीं बन पाई। आखिर क्या वजह रही कि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग जो है वो छोड़ दिया। कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि वो खुश नहीं है कृषि विभाग में, वो शिकायत करना चाह रहे थे नीतीश कुमार से कि ये विभाग में चोरी है, इस शिकायत को दूर किया जाए, लेकिन बातें नहीं बन पाई। खुद उनके पिताजी यानी जगदानंद सिंह के द्वारा इस बात को कहा गया मीडिया में आकर के। मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की और उस इस्तीफे को तेजस्वी यादव ने स्वीकारा है और स्वीकारने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वीकारते हुए राज्यपाल को भेजा नोटिस। उसके बाद अब तेजस्वी यादव के पास उनका कार्यभार बढ़ गया है और पर्यटन विभाग तेजस्वी यादव संभालेंगे। वहीं जिनके पास पर्यटन विभाग था यानी कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्रालय के जिम्मा जो है वो दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि तेजस्वी यादव के पास जो 4 विभाग थे, 4 विभाग के बाद अब 5वां विभाग उनके पास आ गया है। तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और आवास, ग्रामीण कार्य और अब 4वां-5वां विभाग जो है वो पर्यटन का आ गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द बिहार टॉक। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।